प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत, पीएम ने किया योजना का शुभारंभ, भारत में विकास पर जोर देने की कही बात। राष्ट्रपति से मिले राहुल और प्रियंका गांधी, लखीमपुर खीरी हिंसाकांड को लेकर की बात, अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की कही मांग। आगरा में बुखार का कहर, 20 घंटे में 8 लोगों की गई जान, पूरे गांव में दहशत का माहौल। हरदोई में राम भरोसे चल रहा स्कूल, स्कूल में छात्र लगा रहे हैं झाड़ू, मामले में अधिकारी मौन। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत की है। इस मौके पर उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत की गति को शक्ति देगा और अगली पीढ़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस राष्ट्रीय योजना से गति शक्ति भी मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना से सभी प्रोजेक्ट अब तय समय पर पूरे होंगे और टैक्स का एक भी पैसा बर्बाद नहीं होगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय ज्यादातर राजनीतिक दलों की प्राथमिकता से दूर रहा है और ये उनके घोषणा पत्र में भी नजर नहीं आता। और अब तो ये स्थिति आ गई है कि कुछ राजनीतिक दल देश के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर आलोचना करने में गर्व करते हैं। साथियों, आज ही यहां प्रगति मैदान में बन रहे इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर के 4 प्रदर्शनी हॉल का लोकार्पण भी हुआ है। दिल्ली में आधुनिक इंफ्रा से जुड़ा ये भी एक अहम कदम है। ये एग्जीबिशन सेंटर्स हमारे एमएसएमईज, हमारे हैंडीक्राफ्ट, हमारे कुटीर उद्योग को अपने प्रोडक्ट दुनिया भर के बाजारों के लिए शोकेस करने, ग्लोबल मार्केट तक अपनी पहुंच बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद करेंगे। मैं दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग करते हुए आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। आपको बता दें कि कांग्रेस के इस प्रतिनिधि मंडल में राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थी। खबरों की माने तो हाल ही में कांग्रेस ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा था, जिसकी उन्होंने मंजूरी दी थी, जिसके बाद पार्टी के लोगों को राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात भी की और लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की। वहीं मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमने राष्ट्रपति से मांग की है कि आरोपी के पिता, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उनको पद से हटा देना चाहिए क्योंकि उनकी मौजूदगी में निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। तो आपको बता दें, लगातार लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर राजनीति काफ़ी जोरों पर हो रही है और ऐसे में कल प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी भी गई थी, जहां पर इस पूरी घटना में मारे गए किसानों के लिए अंतिम अरदास भी रखी गई थी। और आज उसके बाद कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें राहुल गांधी प्रियंका गांधी शामिल हैं, वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुँचा था, जहाँ पर उन्होंने अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की है। तो आपको बता दें, 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई, उसके बाद प्रदेश की सियासत काफ़ी जोरों पर गर्माई हुई है और ऐसे में लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं और इसीलिए आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुँचा, जहाँ पर उन्होंने एक पत्र लिखकर समय मांगा था
मुलाकात करने का, और जिसके बाद आज वो समय मिला था और कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में शामिल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे रामनाथ कोविंद से उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने ये मांग रखी कि अजय मिश्रा को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। आपको बता दें कि इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी और मुलाकात में क्या कुछ बात हुई ये भी बताया। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद ने हमें आश्वासन दिया है कि बीजेपी से इस पूरे मसले पर चर्चा की जाएगी और पूरी तरह से न्याय देने का उन्होंने आश्वासन राष्ट्रपति की तरफ से हमें दिया गया है। तो आपको बता दें इस लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर पूरी तरह से राजनीति हो रही है और अब एक बार फिर से कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति करती नजर आ रही है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने मुलाकात की है। चलिए जय दीक्षित राजनीतिक विशेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस पूरी घटना को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। जय दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय दीक्षित जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है जय दीक्षित जी, जिस तरह से देखा जाए इस लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर विपक्ष पूरी तरह से राजनीति कर रहा है और आज एक बार फिर कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस इस पूरे मसले पर अपनी आवाज उठा रही है, कितना फायदा मिल सकता है कांग्रेस को इसका? दरअसल हमें थोड़ी सी लखीमपुर कांड को लेके जी थोड़ा सा पीछे स्वतंत्रता के समय हमें जाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या था कि 1947 में जो पाकिस्तान से शरणार्थी वापस आए थे जी, उनको लखीमपुर खीरी में 12.5 एकड़ की जमीन दी गई थी, कृषि भूमि जिसको बोलते जी, और ये कहीं ना कहीं ये पंजाब से रिलेटेड है, ये पंजाब को कनेक्ट करता है, ये जो इंसिडेंट है ये पंजाब को कनेक्ट करता है जी। 12.5 एकड़ की जो जमीन 1947 में थी, आज 500 और हजार करोड़ एकड़ की फार्म हाउस कैसे बन गए जी। वहां जो दो जनजातियां थी जहां जिनका वहां अधिपत्य था, गुप्ता और गुप्ता जनजाति का वहां एक अच्छा आधिपत्य था जी, और उनका जो लैंड सीलिंग था वो उनकी जो लैंड सीलिंग एक्ट 1961 में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया, उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो 12.5 एकड़ से अधिक की जमीन किसी की हो ही नहीं सकती एक परिवार के पास। तो ये सब चीजें कागजों में रह गई जी। और आज जब सरकार लैंड सीलिंग एक्ट के काम करना स्टार्ट की है तो इसकी खलबली उनसे मचने लगी है जो अकाली दल और खालिस्तान समर्थक रहे हैं जी। तो एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, इस पे सरकार को किसानों के चेहरे आगे करके सरकार को दबाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जिस तरीके से उस क्षेत्र जो तराई के क्षेत्र रहे हैं लखीमपुर खीरी वाले जी, उसपे राजनीति करके और किसानों को आगे करके अपना जो फार्म हाउस बनाया गया है 100-100 एकड़, 500-500 एकड़ का, उसको बचाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल जय दीक्षित जी, लेकिन जैसे आप भी पाकिस्तान की जरूरत पड़े, बिल्कुल जैसे देखिए आप भी कह रहे हैं कि सरकार को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए कांग्रेस पूरी तरह से एक ही मांग पर अड़ी हुई है कि बर्खास्त किया जाए या इस्तीफा लिया जाए अजय मिश्रा का, तो क्या जो दबाव सरकार पर बनाया जा रहा है तो क्या बीजेपी ऐसा कदम उठा सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए राजनीतिक मैं छोटी सी घटना एक आम जनमानस की तरह देखिए, चूंकि एक हाई प्रोफाइल भारत के गृह राज्य मंत्री के सुपुत्र के साथ जुड़ा हुआ है जी, तो मामले का हाईलाइट होना लाजमी, लेकिन एक आम आदमी को भी अगर ले लेंगे तो
तो आप फोटोग्राफ को देखिए, गाड़ी के ऊपर चोट के निशान है, गाड़ी का शीशा पहले ही टूटा हुआ है। इसका मतलब कि किसी के ऊपर हमला किया गया, जानबूझ के हमला हुआ है गाड़ी के ऊपर। जी अगर मैं ही हूँ, अगर उस जगह पे अगर मैं ड्राइवर के रूप में उस गाड़ी में मौजूद हूँ, तो मेरे ऊपर अगर हमला होगा तो मैं जान बचा के भागने की कोशिश अवश्य करूंगा जी, ताकि मैं मॉब लिंचिंग का मैं शिकार न बन जाऊं। यहाँ कुछ इसी तरीके के दृश्य है, जब उसके ऊपर जो गाड़ी में बैठे सवार थे उनके ऊपर जब हमला हुआ है, तो घबराहट में वो वहां से भागने की कोशिश किए होंगे, और ऑब्वियसली ये जानबूझ के की गई घटना नहीं है। लेकिन चूंकि ये भारत सरकार के राज्य गृह राज्य मंत्री के बेटे के साथ जुड़ा हुआ मामला है जी, तो इस पे अब फैसला तो सरकार को लेना है। लेकिन जो किसान है, वो किसानों का सॉफ्ट कॉर्नर आगे रख के दबाव में ये फैसला दिलवाना चाहते हैं कि गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दे, जो मुझे उचित नहीं लगता। बिल्कुल जय दीक्षित जी, एक चीज और जानना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से लखीमपुर खीरी की हिंसा हुई, उससे पहले गोरखपुर में जो कांड हुआ, व्यापारी की हत्या हुई, उसके बाद किसान लगातार नाराज है सरकार से, तो क्या इन सभी मुद्दों को लेकर बीजेपी को विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये सत्ता में जो भी सरकार होती है उसके ऊपर उंगली उठने शुरू हो जाती है जी, और खासकर उस वक्त पे जब चुनाव सामने हो, चुनाव 2-4 महीने के अंदर चुनाव डिक्लेयर होने वाला है जी, तो इस तरीके के मुद्दे को गरमाना बहुत जरूरी है। आप एक छोटी सी घटना देखिए, राजस्थान में एक दलित परिवार, एक दलित व्यक्ति को गाड़ी में से निकाल के मॉब लिंचिंग के थ्रू मार दिया जाता है जी। वहां पे कांग्रेस की सरकार है, वहां राहुल गांधी प्रियंका गांधी क्यों नहीं जाके वहां सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं? वहां उस दलित व्यक्ति को जिसको मारा गया है, वहां पे वो उसको मुआवजे देने की बात नहीं कर रहे हैं, उसके साथ न्याय होने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में उनको हर छोटी चीजों में राजनीति दिख रही है। आप अगर राष्ट्रपति से मिलने गए हैं तो आपका आपका पक्ष बराबर होना चाहिए ना जी। आप अगर राष्ट्रपति से उत्तर प्रदेश में किसानों पे हुए हमले पे अगर जान गई है किसानों की, और आप उसके लिए राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, आपका फर्ज बनता है किसान पे भी इसी तरीके से जी, इसके ऊपर भी आपको बराबर की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आपके ऊपर उंगली ना हो। लेकिन आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश में राजनीति दिख रही है, बिल्कुल जय दीक्षित जी, क्योंकि चुनाव इस समय उत्तर प्रदेश में ही नजदीक है, इसीलिए ये पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश में ही हो रही है। छत्तीसगढ़ की एक घटना नहीं दिख रही, चाहे कहीं और कांग्रेस की सरकार हो, वहां पे कोई भी घटना हो जाए वो कांग्रेस को नहीं दिखती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने वाले हैं, वहीं की घटना दिखती है। इसीलिए जय दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। तो ऐसे में आज कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि उनकी मौजूदगी में निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में बुधवार की सुबह मां भक्ति के 8वें स्वरूप महागौरी की पूरी विधि विधान से आराधना की। आपको बता दें कि नवरात्र और विजयदशमी के पारंपरिक अनुष्ठान के लिए मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर के शक्तिपीठ में माँ की पूजा अर्चना की। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये गोरखपुर से सीएम योगी किस तरह से माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें आज नवरात्र में अष्टमी है, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह ही मंदिर पहुंच गए थे, जहां पर वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। आगरा में परिवर्तन रथ यात्रा के दौरान शिवपाल यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें शिवपाल यादव ने कहा कि वो इस बार चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ कर देंगे। शिवपाल यादव ने कहा कि गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी हमेशा ही उनकी पहली प्राथमिकता रही है। तो विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, इसीलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, एक दूसरे पर बयानबाजी की जा रही है। इसको लेकर आगरा जब शिवपाल यादव पहुंचे तो बीजेपी सरकार वो पूरी
पर पूरी तरह से बरसते हुए नजर आए, निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ वो करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पेंशन में बढ़ोतरी कराए जाने की मांग को लेकर भारतीय दिव्यांग यूनियन की ओर से जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। वहीं इस दौरान भारी संख्या में दिव्यांगों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। भारतीय दिव्यांग यूनियन के जिलाध्यक्ष बॉबी गोला ने बताया कि कोरोना की वजह से बाद में उनके सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो गया था। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से उन्हें 500 रुपये प्रति महीने की पेंशन दी जा रही है, जिससे उनका घर खर्च नहीं चल पाता है और इसीलिए वो अपनी पेंशन 500 से बढ़ाकर 5000 करने की मांग कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में फरार चल रहे आरोपी अंकित दास के घर पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया है। वहीं नोटिस में अंकित दास को एसआईटी ने तमाम सबूतों के साथ तलब किया है। आपको बता दें कि अंकित दास घटना के दिन मौके पर मौजूद था और इस मामले में एसआईटी उसके ड्राइवर से पूछताछ कर चुकी है। खबरों की माने तो उसके पहले मंगलवार को पुलिस को चकमा देते हुए तिकुनिया कांड का प्रमुख आरोपी अंकित दास एक अन्य अभियुक्त के साथ सिविल कोर्ट पहुंचा, जहाँ अपने वकील के साथ मिलकर उसने आत्मसमर्पण की अर्जी भी दाखिल की, जिस पर सुनवाई करते हुए सीजेएम चिंता राम ने तिकुनिया पुलिस से आरोपियों के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और सीजेएम ने अगली सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर को तारीख नियत की है। अमेठी में बिजली की लाइन की चपेट में आकर लाइनमैन गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि बीएससी के सामने देर रात लाइट खराब हो गई थी, जिसे ठीक करते समय अचानक सप्लाई चालू होने से ये हादसा हो गया। वहीं इस हादसे में लाइनमैन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आगरा में संदिग्ध बुखार का कहर लगातार जारी है। बता दें कि इस बुखार के चलते जिले में 20 घंटे में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं मृतकों में 7 बच्चे और एक महिला भी शामिल हैं। आपको बता दें कि इस बुखार के चलते पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो आपको बता दें, आगरा में लगातार इस वायरल बुखार का कहर देखने के लिए मिल रहा है, जिससे 20 घंटे के दौरान 8 लोगों की जान जा चुकी है और इस पूरे घटना को देखते हुए पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग परेशान हैं क्योंकि अस्पतालों में ढंग से इलाज नहीं मिल पा रहा, जिस वजह से इतनी संख्या में और इतने कम समय में लोगों की लगातार जाने जा रही हैं। तो आपको बता दें, लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में कई जिलों में वायरल बुखार का कहर देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में आगरा में भी संदिग्ध बुखार का कहर लगातार जारी है। पिछले एक महीने से यूपी के तमाम जिलों में वायरल बुखार और डेंगू के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं और इसीलिए सही इलाज नहीं मिलने की वजह से कई लोगों की अब तक जान भी जा चुकी है। ताज़ा मामला आगरा का है, जहाँ पर बुखार ने 20 घंटे के अंदर 8 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है, जिससे इलाके में पूरी तरह से दहशत का माहौल बना हुआ है। अमेठी के दुर्गापुर में केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवासीय योजना के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर गरीब को पक्का घर देने का वादा दुर्गापुर में नाकाम होता दिख रहा है। यहां पिछले 10 सालों से एक गरीब परिवार अपने घर के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन उन्हें आज तक पक्का घर नहीं मिल पाया है। वहीं घर की आस में इस परिवार ने कई बार अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर भी लगाए, लेकिन इस परिवार को आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। तो अमेठी का ये पूरा मामला है, जहां पर घर के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं लोग और ऐसे में आश्वासन तो दे दिया जाता है सरकारी दफ्तर की तरफ से, लेकिन अभी भी आज तक भी पक्का घर उन्हें नहीं मिल पाता। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं।
जम्मू के राजौरी जिले के पुंछ में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए, जिसमें शाहजहांपुर का एक बेटा सारथ सिंह भी शहीद हो गया है। वहीं इस खबर के मिलते ही शहीद के घर सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया, साथ ही शहीद के घर कई अधिकारी भी पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। इस पूरी घटना के दौरान मौके पर मौजूद जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, साथ ही पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी बात कही गई है। क्योंकि अभी देश के लिए जो शहीद हो गया है, लेकिन परिवार से दूर हो गया है। देश के लिए चलो शहीद तो हो गए हैं, अच्छे काम के लिए शहीद हुए हैं, लेकिन कमी महसूस हो रही है कि परिवार से दूर हो गए। सही सारी जी की शादी के सर कितने दिन हुए थे? उनके शादी को 1.5 साल ही हुआ है अभी। कोई बच्चे हैं भी नहीं? नहीं, बच्चा नहीं। तो सही सारी जी का पार्थिव शरीर कब आ रहा है घर पे? उनका परसों आ पाएगा घर पे। वो पुरानी गाल है जो सही सारे सिंह के जो आतंकवादी हमले में शहीद हुए हैं, ये मतलब इसका क्या कब आप बात हुई थी हमसे? आज परसों बता बात हुई शाम। तो क्या बोला था? हलचल बहुत ठीक था वैसा। इनका पार्थिव शरीर कब आ रहा है? पार्थिव शरीर कब आ रहा है? परसों। हमारे जनपद शाहजहांपुर के बंडा इलाके से संबंधित थे शहीद। इनके परिवार में माँ बाप के अलावा इनके दो और भाई हैं जो ऑलरेडी सेना में कार्यरत हैं और जम्मू कश्मीर में ही वो तैनात हैं। ये बड़े दुख की बात है कि उनका सबसे छोटा बेटा ये जो शहीद हुए हैं सजर सिंह, ये वहाँ तैनात थे और आतंकवादी गतिविधि के दौरान, ऑपरेशन के दौरान इनकी मृत्यु हुई है। इनका परिवार बहुत बहादुर है, मैं तो कहूँगा। इनकी मदर और इनकी माताजी और पिताजी से मैं मिला, इनके भाई से मैं मिला, उनको गर्व है इस बात पर कि उनका बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ है। ये दुख तो होता ही है जब कोई परिवार से जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तत्काल इस पर 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। इसके अलावा जनपद में एक सड़क का नामकरण भी शहीद के नाम पर किया जाएगा। हरदोई में लाख कोशिशों के बावजूद भी शिक्षा व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि यहां प्राथमिक विद्यालय में छात्रों से झाड़ू लगवाई जा रही है। वहीं छात्रों से झाड़ू लगवाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस पूरे मामले में जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। तो हरदोई का ये पूरा मामला है, जहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से स्कूल में बच्चे क्लास में झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अच्छी शिक्षा देने की बच्चों को बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ ही इस तरह की तस्वीरें सामने आती है जहां पर छोटे छोटे बच्चे, जहां उनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए और उनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, उस उम्र में ये बच्चे अपनी ही क्लास में झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हरदोई से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से ये कहा जाता है कि अच्छी शिक्षा बच्चों को दी जाएगी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो इससे सवाल बस यही उठता है कि आखिर ये शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी कब? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये ब्लॉक तरियामा के प्राथमिक विद्यालय रावल का मामला है। ये स्कूलों में लाख कोशिश के बावजूद व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रहे, जिसका कुछ लोगों ने वीडियो बनाया और उसको वायरल कर दिया है। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जब ये वीडियो वायरल हुआ तो अभी तक क्यों इस पर कुछ कार्रवाई नहीं की गई और जानकारी ये भी मिल रही है कि अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं? जी, अभी तक तो अधिकारी जो है वो अभी उन्होंने कोई कैमरे के साथ सामने कुछ भी बताने के लिए मना कर रहे हैं और इस तरह से जो है कार्रवाई की भी बात हालांकि कह नहीं रहे अभी। बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, लेकिन देखिए अच्छी शिक्षा की बात की जाती है और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है जो हरदोई से सामने आई हो। आए दिन इस तरह की प्राथमिक विद्यालयों से तस्वीरें सामने आती है जहां पर बच्चों को शिक्षा देने की बात तो की जाती है, लेकिन अक्सर या तो बच्चे बर्तन धोते नजर आते हैं या इसी तरह झाड़ू लगाते नजर आते हैं। जी, आपको बता दें सरकार द्वारा जबकि करोड़ों रुपए खर्चा किए जा रहे हैं शिक्षा के नाम पे, लेकिन उसकी हकीकत यही है जो वीडियो में दिख रही है।
चलिए मोहम्मद आसिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरदोई का ये पूरा मामला है जहां पर शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है ये तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। बच्चे क्लासरूम में ही झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी शिक्षा की बात की जाती है प्राथमिक विद्यालयों में कि बच्चों को अच्छी सुविधाएँ दी जाएंगी, अच्छी और बेहतर शिक्षा दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। हालाँकि जब वीडियो भी वायरल होता है तो अधिकारी उस पर चुप्पी साध लेते हैं और कुछ भी बोलने से बचते नजर आते हैं। हमीरपुर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की विजय यात्रा का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि सदर इलाके के अमन शहीद में इस विजय यात्रा के स्वागत का कार्यक्रम रखा गया, जहां कुरारा ब्लॉक में वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि अखिलेश यादव की इस विजय रथ यात्रा को लेकर सुबह से ही पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बाहर सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।